Welcome back! Another new lesson, and thanks for clicking this new video. In this lesson, we will talk about the most important Pakistani English poet, Maki Qureshi. Before I start with this lesson, I request you to all please like, share, and subscribe to my channel, and also hit the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. मकी कुरेशी कोलकाता में पैदा हुई थी 1927 को एक पारसी फैमिली में इनके फ़ादर जो हैं वो एक साइकट्रस हैं और वो इंडियन मेडिकल कॉलेज में सर्विस दिया करते थे और इनकी जो मदर हैं वो जर्मनी से बिलोंग करती थी इनके फ़ादर जब जर्मनी में यानी कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लैंग्वेज के तो वहाँ इनकी मुलाकात इनकी मदर से हुई और इसके बाद लेटर ऑन ये वहाँ पर मूव मूव कर गए इसके साथ साथ जब पार्टीशन हुई थी पार्टीशन से पहले ये इंडिया के शहर कोलकाता में रहा करते थे लेकिन पार्टीशन के बाद ये कराची मूव कर गए और वहीं ये इन्होंने रहना शुरू किया मक्की कुरैशी का जो मतलब चाइल्डहुड है उन्होंने अपना बचपन जो है वो अर्ली टीन एज में ही वो कराची शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद वो इधर ही रहना स्टार्ट हो गए एट द पार्टीशन ऑफ नाइन पार्टीशन इन नाइनटीन में इनकी फैमिली जो है वो कोलकाता से कराची मूव uh, करगी और फिर ये वहीं पर रहना शुरू हो गए और जो मक्की कुरैशी हैं वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ाती थी और हनीफ कुरैशी जो हैं एज़ वी नो अबाउट इट हनीफ़ कुरेशी इनके नेफियू हैं जो कि हम जानते हैं कि जा पाकिस्तानी प्ले राइट स्क्रीन राइटर एंड फिल्म फिल्म मेकर इन टू थाउजेंड एट ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है इन 2008 में द टाइम मैगजीन में मकी कुरेशी को टॉप 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर की लिस्ट में शामिल किया गया था सिंस 1945 यानी कि 1945 से ऑन टॉप 50 बेस्ट राइटर इन ब्रिटिश हिस्ट्री में इनको काउंट किया गया था और ये इनके लिए एक ह्यूज डेवलपमेंट थी कि एक पाकिस्तानी पोइट को इन टॉप फिफ्टी लिस्ट में शामिल किया जाए मकी कुरेशी जो हैं शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ पाकिस्तान यानी कि वो फर्स्ट इंग्लिश फ़ीमेल पोइट ऑफ पाकिस्तान है। इसके साथ साथ इनके जो हस्बैंड हैं वो मुस्लिम थे क्योंकि ये पारसी फैमिली से बिलोंग करती हैं लेकिन इनके हस्बैंड एक मुस्लिम थे मकी न... क्रिशी वॉज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश कराची शी वॉज दि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है शी वॉज देशेंट ऑफ पोलियो इसके साथ साथ इनको तीन क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता था सबसे पहले तो ये जो उनकी लाइफ से रिलेटेड थे कि शी वॉज अ फिज़िकली डिसबल पर्सन शी वॉज अ वुमन एज वेल एज बिलोंग टू पाकिस्तानी पार्टसी फैमिली एंड इसके बाद जो लास्ट वन है आइडेंटिटी क्राइसिस क्योंकि ये फर्स्ट ये तो एक फिज़िकली डिसेबल थी देन उसके बाद इनका ये एक वुमन थी और पारसी फैमिली से भी बिलोंग करती थी और उसके साथ साथ आइडेंटि क्राइसिस क्योंकि ये एक पारसी थी और इनकी जो शादी थी वो मुस्लिम फैमिली में ही उसके बाद क्या क्राइसिस हो सकती हैं वो वो सब इनको फेस करने पड़े थे वी कैन कंपेयर अगर हम इनकी पोइट्री के बारे में बात करें तो इनकी पोइट्री को हम सिल्विया प्लाथ वर्स वर्ड्स एस्टिकॉल रेज, पी बी शैली कीड्स एन टी एस एलियट और मैनी ऑफ अदर रोमांटिक एंड मॉडर्न पोइट्स उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो पोइट्री है वो ऐसे थीम या ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में हुआ करती थी जैसे कि टी एस एलियट हैं जो एक यूनिवर्सलिटी के बारे में लिखते थे एक ऐसे इशू को हाईलाइट करते थे जो कि यूनिवर्सल लेवल पे होते हैं वर्ल्ड लेवल पर सेम जो ये हैं मकी कैशी हैं वो भी इन्हीं के स्टाइल में लिखा करती लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम हैं ब्रिटिश राइटर्स को ही एडमायर करते हैं और अपने पाकिस्तानी राइटर को नहीं पढ़ते लेकिन इनकी पोइट्री जो है वो इस इनके साथ कंपेयर की जा सकती है जैसे कि हम इनकी पोइम्स को देखते हैं मॉर्निंग सॉन्ग है एरियल है द बी मीटिंग है सॉलिटरी रिबर्स हैं और टू नाइट और टू द वेस्ट वन ये जो ब्रिटिश राइटर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स है लेकिन इन पोइम्स को तो हम पढ़ते हैं लेकिन जो हमारे राइटर्स हैं यानी कि हमारी पोइट हैं उनको हम नहीं पढ़ते क्योंकि उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते लेकिन अगर हम इनकी पोइट्री और इसके साथ कंपेयर करें तो हमें इसमें कोई ज़्यादा डिफ़रेंस देखने को नहीं मिलता इसके साथ साथ इनके कुछ वर्क्स हैं उनको देखते हैं कि ये हमेशा फ्री वर्ड्स में लिखा करती थी यानी कि जिनका स्टाइल है वो फ्री वर्ड्स हुआ करता था और सेंसिटिव इनकी जो पोइट्री है ये सेंसिटिव बेस होती थी यानी उसके अंदर हमें सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है अच्छा इनके जो मोस्ट फेमस वर्क हैं वन विन ब्लोज इन अप्रैल ट्री इन विंटर इसके साथ साथ किटन्स और द फॉर थिंग ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आगे फर्दर हम समराइज करेंगे और इनको एनालाइज भी करेंगे और मकी कुरेशी जो हैं वो अपने वर्ड्स को यानी अपनी पोइम्स को हमेशा एंथोलॉजीज़ की फॉर्म में पब्लिश करवाया करती थी जैसे कि इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंथोलॉजी है द फॉर थिंग इसके बाद हम इनकी कुछ पोइंट्स हैं जिनको एनालाइज़ करेंगे और समराइज भी करेंगे इन शॉर्ट थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे मोटिवेटेड हैव अ गुड डे